अमल, आप मुझे ये बताओ कि बचपन में किस बात पे घर में मार पड़ी और बचपन किस तरह से गुजरा? क्या शरारती थी या बहुत इंट्रोवर्ट थी? बचपन बहुत अच्छा गुजरा। मेरे फादर बेसिकली आर्मी में थे, हमारा आर्मी बैकग्राउंड है, तो फिर तो बहुत सिविलाइज्ड एंड कल्चर्ड बच्चे हो गए आप सब। नहीं, वो अब्बू के आने के बाद, अदरवाइज तो शरारती ही होते, बच्चे सारे शरारती होते हैं। हाँ जी। लेकिन बहुत घूमे फिरे, तकरीबन हर सिटी देखा पाकिस्तान, क्योंकि पोस्टिंग होती रहती थी, तो अच्छा गुजरा बचपन। लेकिन इतनी ज्यादा शरारत, तो मार किस बात पे पड़ी बचपन में? मार ऐसा मुझे याद नहीं है कि मार पड़ी हो, डांट पड़ती थी, मार नहीं पड़ी कभी। आप बता रही हैं कि आपके अब्बा जो थे वो आर्मी में पोस्टेड थे, तो सबसे ज्यादा अच्छा शहर कौन सा लगा, क्योंकि डिफरेंट सिटीज में आप लोग? रावलपिंडी, रावलपिंडी बहुत पसंद है। अच्छा, रावलपिंडी। रावलपिंडी, उसका मौसम इतने खूबसूरत है, एक दिल ही लगा हुआ है रावलपिंडी से। अरे वाह वाह। इफ्तखार साहब, वफात में बाप, पंजाब में बेटा, क्या नून लीग को शरीफ फैमिली से बाहर कोई अच्छा उम्मीदवार नजर नहीं आया? माजद से मैं पहले भी कहता हूँ, ऐसे इसमें बुराई क्या है? एक मखसूस तबका है जो यहाँ से फारिग है। PMLN में अगर हमारी पार्लिमानी पार्टी ने मिलकर ये फैसला किया है कि पंजाब के कायदे ऐवान मियां हमदा शहबाज शरीफ साहब होंगे, तो किसी को क्या तकलीफ है? ये वो लोग हैं जो अक्ल से आ रही है और बिल्कुल फारिग लोग हैं। तो जब हमने पंजाब में फैसला किया है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब वो शख्सियत हैं जो पंजाब में ज़्यादा वोट ले सकेंगे, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਫਨਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਟੋਰੇ ਪੇ ਕਟੋਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਸੇ ਵੀ ਗੋਰਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕੀ ਕਟੋਰੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਕਾ ਕਟੋਰਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਾ। ਦੀਆਂ ਨਵਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਸਕਤ, ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ੀਫ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੀਨਾ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਪੀਕਰ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਬੈਠੇ ਚੁੰਨੂ ਮੁੰਨੂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖੁਰਾਕ ਲਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਮਦਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ, ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਗਵਰਨਰ, ਥੱਲੇ ਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੋ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਖਮਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਛੱਡਿਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ KPK ਲਾਓ। ਨੇ ਸਫਦਰ ਤੋਂ ਆਪ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KPK ਲਗਾ ਦੇ, ਸਰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਣਗੇ ਸ਼ਰੀਫ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ UK ਐਂਬੈਸਡਰ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਪੇਟ ਨੂੰ ਪੈ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋ ਬਸ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੁਗਲੀਆ ਖਾਨਦਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਰਾਨੀ ਵੀ ਬਾਜਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨ ਕੇਅਰ ਤੇ ਲਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕੋ ਤਾਲਾ आपकी जुबान मुबारक करे और आपकी जितनी ख्वाहिशात हैं अल्लाह तबारक तआला इसकी तकमील कर दे, मैं भी दुआ करता हूँ जी। अगो मुंह नहीं देखीदा, आमीन कहीदा। ख्वाहिशा किसी दी भी पूरी नहीं होंदिया, पौने चार साल च मुक गई, पौने चार साल विच 3 साल तक कोरोना रहा, सानू तो साह ही नहीं आया। काजी साहब, आप कितने अरसे से नून लीग के साथ हैं? अल्लाह के फजल व करम से, मेरे हल्के के दोस्तों की वजह से, मेरी माओ बहनों की वजह से, 2002 से अल्लाह मुझे हिम्मत दे रहा है कि मैं मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हो रहा हूं। देखें, हमारी टीम के कप्तान हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब, मैं समझता हूं कि भी उनसे बेहतर हमारे पास लीडर नहीं है इस वक्त पंजाब के फॉर्मेट में। उस्मान बुज़दार, जिसके मुतलक वसीम अकरम प्लस का नाम था, 3-3.5 साल में बेड़ा गर्क कर दिया है पंजाब का, तो कोई ऐसा नया रिस्क नहीं होना चाहिए। जब हम कह रहे हैं, मेंबर सूबाई असम्बली की अक्सरियत कह रही है कि हमारा पार्लिमानी लीडर कायदे ऐवान हमजा साहब हो, तो किसी को क्या तकलीफ है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। चौधरी साहब, अब तकरीबन 20 साल से सियासत में हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, फिर आप जीत भी रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स को क्या नहीं दिल करता कि वो भी CM बने? क्या आप हमेशा से यही चाहते थे कि आप सिर्फ MP ही रहें? मतलब हर बंदे का दिल करता है ना तरक्की करे, आगे जाए, इवॉल्व करे, ग्रो करे, तो आप हमेशा से सोच के आए थे कि आपने MP ही रहने? देखिए, मैं बड़ा क्लियर कहता हूँ कि मैं PMLN और पॉलिटिक्स में हमजा साहब की वजह से हूँ, मैं कोई दूसरी राय नहीं है, वो ही इज लाइक एज एल्डर ब्रदर फॉर मी, मेरे वो भाइयों की तरह है, और हम तलक निभाने वाले लोग हैं, रवायती माइंड के लोग हैं कि भी जिससे एक तलक है वो निभना चाहिए। ओए ना दी सोच ही गुलामाना है ना जी, तेरे सिर से ताजे वो भी नजर आंदे हैं। माशाल्लाह, तुम कह रहे अपना
2002 तो तुम एमपी आ रहे हो, 2001 तो सख्त काली खंग लगी है बाबा नहीं जानती। यही 20 साल तुम पीटीआई नहीं दिते होंगे तो उस्मान बुज़दार साहब की जगह वज़ीर आला तुम होना सी। केड़ा वसीम अकरम प्लेस है जिन्हों यॉर्कर मारना ही नहीं आता, जिन्हों रिवर्स स्विंग ही नहीं करनी आती। गल तो इसी तरह करो, तुम नक चढ़ा के कोई गल करते हो, जो असी कोई गल कर देनी फिर तुम गुस्सा करना है। खैर मुझे नफसियाती प्रॉब्लम हो रही है, मैं जरा अमल से कोई इलाज करवाना चाहता। चाहे ताडे अंदरों गुलामी निकले, ताडे अंदर खान साहब वाली दलेरी होनी चाहिए नहीं। इतने तुस अपने लीडर की गुलामी करने हो तो ताडे लीडर अमरीका की गुलामी करने। बस बस खुदा दा वास्ता जे एवें सारे नूं गद्दार ना करार दे दिया करो, कोई होर गल करो। जो जी मैं इन्हां दा हिसाब लाया कि इन्हां दी सोच गुलामाना नहीं हैगी, इन्हां दी सोच नवाजाना है। अमल आप मुझे ये बताओ कि क्या कभी प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, कभी दिल टूटा? नहीं ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। कभी प्यार ही नहीं हुआ? नहीं ऐसा कभी दिल ही नहीं टूटा? नहीं, और करने के लिए बहुत काम होते हैं। I was very much into studies. तो कर है वो बात नहीं बताई जो मेरे खतूत पढ़ के रोती रही थी। खतूत पढ़ ले किसी ने? चंद तस्वीरें बुतां और हसीनों के खतूत आया भैया, बाद मरने के मेरे ये सामान निकला। हेलो मैं जो प्रॉपर्टी है जी, ओ केड़े हसीना दे खतूत ते केड़ी तस्वीरें बुता बाबा तेरे को निकलनियां ने, ओ तेरी बड़ी साली ने सवेरे बिस्ती की थी, ओ जा याद कर। लड़का जितना प्यार करदा हुंदा उहनूं खतूत देण दे बजाय बिजली दा बिल दे दिंदा हुंदा। अपरा दे तेरे मर पैण जे नहीं परा सकदे ते किस्सा करा दे तेरी वड्डे जवाई ना। चार दिन तो तेरी नाराजगी है शेरां दी वजह तो चल रही है, क्यों बात नहीं होता? बाबा जदों तू मरना तेरी जेब च इक पंप निकलना ते इक खंग दा सीरम निकलना एंड टोटल जायदाद ते बाबे दे ट्रंक च ना टोटल 6 चीजां निकलनियां ने। एक दे एक्सरे दी रिपोर्ट, दूसरी नजर वाली ऐनक दा टुटा फ्रेम, पुरानी कंगी ते टुटा शीशा, फिर वेदे च एक्सरे दा अपना वा, बाकी सारी शामा चोरी दी। अमल अमल दिल बुरा ना करना, मुझ पे अपनी रिसर्च जारी रख। चौधरी साहब जिस तरह से खान साहब नून लीग को गैर मुल्की एजेंट, चोर, डाकू बनाकर पेश कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इस तरह से नून लीग के आने वाले इलेक्शंस तक अपनी मकबूलियत कायम रख पाएगी? वैसे ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, पाकिस्तानी सियासत में अच्छी रवश नहीं है। मैं तो बिल्कुल कैटेगरिकली कहूँगा कोई हमारा पॉलिटिकल मुखालफ है, कोई हमारा दोस्त है, कोई गद्दार नहीं है। ये गलत रवश है, मैं अफसोस ही कर सकता हूँ, खान साहब को ये रवश इख्तियार नहीं करनी चाहिए। अब ये देखें कि बदकिस्मती है कि भाई पीटीआई ने मकाम कार्ड इस्तेमाल किया, गरीब मुकाओ कार्ड इस्तेमाल किया, अब गद्दार कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। आप इलेक्शन आने दें, इंशाल्लाह मत आ जाएगी खान साहब को। पब्लिक जिन्होंने झोलियाँ उठा के इनको बाहर भेंके ना, और ये नाकाम हो गए इंशाल्लाह। देखिए मैं एक शहीद का भाई हूँ, अब मेरे मुतल्लिक को कहे गद्दार, यार मेरे घर ने शहादत दी हुई है माशाल्लाह, और नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स करने वाले हम लोग हैं, हमारे मुतल्लिक कहे। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला खान साहब को और उनकी टीम को हदायत दे और अकल दे। तुसी साडा एहतजाज वेखोगे ना तुहानू लग पता जाए। बड़ियां जुतियां मारांगे इस बारी। कल्ले ना एहतजाज है, उहदे च असां कोई नहीं है। एहतजाज करना कोई बांदर किला नहीं खेलना। अमल माशाल्लाह से आप प्रिटी हो, क्या शादी के प्रपोजल्स आते हैं? अगर आते भी हैं तो कौन सी वो तीन जो है खसूसियात हैं जो आप अपने फ्यूचर हस्बैंड में देखती हो? प्रपोजल्स आते रहते हैं, इवन कि मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोग थे, इवन कि मेरी खालाएँ और मामू, उनकी बहुत ख्वाहिश थी। लेकिन अभी इस बारे में मेरा अपने पहले पढ़ाई मुकम्मल करने का प्लान है, उसके बाद इस बारे में कुछ सोचूंगी। अच्छा, ये ना कुल पूछो कि बंदा एहतजाजी होवे। अगर कारोबारी की गल हो रही है तो शकरगंदी में भी ला ले। अच्छा, तो इस बारे में भी कुछ नहीं सोचा, सारा फोकस स्टडीज पर है जी। इसके बाद तो फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या पीएचडी करनी है? जी मैं पीएचडी करने का सोच रही हूं। देखा, मुझे लग रहा था जितना आप माशाल्लाह से पढ़ती हैं और इंटेलिजेंट है और किसी और चीज के बारे में नहीं सोचती, एंड यू सीम टू बी वेरी एम्बिशियस, तो मुझे लगता है आप जरूर पीएचडी भी कर लेंगे इंशाल्लाह। जी शादी उन्हें करनी, एक्साइटेड तो कैसा लड़का होना चाहिए? मैं तो बीइंग ए होस्ट, बीइंग एन एंकर, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, आगे वो जवाब ये दे रही है कि उनको सिर्फ जो है ना पढ़ने से मतलब है। और जी वैसे भी शादी तो बहाने ना पूछ के ना, फिर वलीमा खान जाने पहले पूछ रहे थे कदों है ना, वर्गिया होस्ट
अच्छी रोटी खाने लिए मैं किसी कुड़ी का ब्याह कर दूंगा। जरूर दिल करो ना अच्छी रोटी खाने से कह दे चलो निकाह तो करो ना आज पावे खावा दे तेरे वरा निकल आए। कुछ भी नहीं एक बारी सिर्फ अच्छी रोटी खाने से अपनी सहेली दे गलत शादी दे कार्ड छपवाते। मैं भला क्यों नहीं बोलना पिया लाड़े नहीं बोलने। एक बार हीना जी ना इम्पोर्टेड सूट मंगवाया। अच्छा तो सोच रहे मैं कहाँ पहनूं। हाँ किसी दोस्त की शादी करवाती हूँ वहां पहनूंगी। जो दी शादी पहले हुई उसने मारे को। मैं अपने दोस्तों ने फोन करके पूछ लिया कि हेलो हाँ नबीला तुम शादी क्यों नहीं करवा रही। जल्दी करवा लो मैंने ना नई जूती ली है तुम्हारी शादी में। एक सहेली को मार खा दी हीना जी ने। कहती हफ्ता पहले तुम मेरी शादी कराई फिर कार्ड छपवा ली। हीना दी सहेलियां दुआवां मंगनियां कि इसकी भूख ना लगे इसने शादी करा ली। मैं काला वे कबर से बैठा रोई जा रहा मैं ताटे अबू की कबर नहीं भरा दी मैं कबर कि कहना मेरी बीवी का पहला खावन। बाकी सारा शाल भी ना माल है शालमी देने रेड टाई अला ना काला शाका को देखो जी पूरी दिन तलीम बड़ी कम होती है कार खिचड़ी भी पकी है ना खिचड़ी नहीं कहंदियां हमारे घर ना आज वो दाल वाली बिरयानी बनी ले।